जय हिंद दोस्तों, आज की क्लास हमारी जो है वो नौवां सवाल है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ये हमारी लाइव क्लास है, फटाफट हमारे साथ जो है क्वेश्चन को जो है फटाफट जो है वो समझने की कोशिश करिएगा। तो क्वेश्चन आपका आ चुका है, ए रेशियो बी आपके पास गिवन है, ए रेशियो बी मतलब ए अपॉन बी 6/5, और आपसे पूछा है 5a प्लस थ्री बी ओवर 5a माइनस 3, और बोला है का मान ज्ञात करें, वैल्यू फाइंड करनी। तो इसका मतलब ये हुआ ये a की वैल्यू ये b की वैल्यू, तो हम डायरेक्ट लेंगे और वैल्यूज को ही पुट कर देंगे, ये नहीं कुछ भी करेंगे, ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है बच्चों। तो हमने क्या करना है, वैल्यूज ही पुट कर देनी है, a की जगह क्या पुट कर देना है 6 और बी की जगह 5। कैसे कैसे क्या समझा रहा हूं, ए की जगह 6, बी की जगह ऐसे, इसी प्रकार देखो ए की जगह 6, बी की जगह 5, जो दिया है ना बस वही पुट कर देना सीधा सामने टू सामने, बस इसको सॉल्व कर लेंगे 5×6 और 15×30 15, 45 और 15 तो कितना आ जाएगा 5 ये 15 और 9 9 रेशियो, ये इसका आंसर होगा 9:3 इसका सही आंसर होगा। आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, सवाल है इस टाइप के क्वेश्चंस। एक्स यदि एक्स ओवर थ्री एक्स अपॉन इक्वल टू वाई अपॉन 4, मैं क्या करता हूं इसको रिप्लेस कर देता हूं क्रॉस में, एक्स ओवर वाई इक्वल टू 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका मतलब हम क्या करेंगे, का मतलब हम हमारे पास जो है x की वैल्यू क्या बन गई, ये मैं आपको डायरेक्ट ही बता रहा हूँ, आपने जो है इसको जल्दी जल्दी से जो है वो समझ कर पकड़ लेनी है मेरी बातों को, बस फिर आपने आप जो आपके पास एक्सरसाइजेस हैं वो भी ट्राई करना है साथ टू साथ। ये x की वैल्यू होगी, ये y की वैल्यू, हमारे पास क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आपको मैंने बता ही दिया रेशियो को मतलब अपॉन समझ, मैंने आपको टेल जो है वो पहले ही क्लास में आपको दे दी, तो एक्स की जगह आप 3 भर देंगे और वाई की जगह जो है 4 पुट ऑफ करेंगे, तो एक्स की जगह क्या करेंगे वाई की जगह क्या 4 ओवर, एक्स की जगह क्या करेंगे माइनस और वाई की जगह क्या 4 6 + 4 9 हो गया 10। तो हम सिर्फ सिंगली 10 भी लिख सकते हैं, ये इसका आंसर है। तो आई होप कि आपको मेरी बात सभी को क्लियर हो चुकी होगी, क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, कैसे कैसे मैं समझा रहा हूँ तो कैसे आपने ये क्वेश्चन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 11 नंबर सवाल है, दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, यानी कि दो संख्याएं हैं उसकी रेशियो है दो नंबर्स की वो कितनी है 7 और 9 है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें, कि दोनों नंबर्स में जो है 5 जोड़ने हैं। देखिए 7x दो संख्याओं में जो है, यानी कि दो संख्याओं का जो अनुपात है वो कितना दिया है 7:9 है, कितना है 7:9 है, उस आपका कितना आ जाएगा 7x और 9x आ जाएगा, मैंने जैसे बताया उसमें बोला है क्योंकि संख्याएं नहीं दी है उनका अनुपात दिया है इसलिए हमने ऐसा किया, अगर संख्याएं दी होती हैं आपको
डायरेक्ट आपने सेवन और नाइन ही लिखना था। अब एक्स क्यों लगाया? क्योंकि अभी हमें संख्या नहीं दी है, उन संख्याओं का हमें क्या दिया है? अनुपात दिया है बच्चों। पांच जोड़ने पर पांच जोड़ दिया तो वो अनुपात कितना बन जाएगा? चार अनुपात पांच, चार बटा पांच बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बच्चे, कितना आ जाएगा? 35x 25 36x 20। अब इकट्ठे कर लीजिए जी एक्स एक्स वाले, इसमें क्या रहेगा आपका? 25 माइनस 20 इक्वल टू 30x माइनस 35x, कॉमन आ गया तो ये यानी कि माइनस हुआ तो x इक्वल टू आपका माइनस हो के कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब आपको नंबर निकाले, ये देखो बोला है बड़ी संख्या क्या है, तो आपके पास तो अनुपात दिया था संख्याओं का वो तो 9 था। अगर हमें दोनों संख्याएं निकालनी हो तो आप इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई कर दो, किससे? 5 से। तो क्योंकि हमने x लगाया था याद होगा आपको, तो 5 से करेंगे तो एक आएगी आपकी 35, दूसरी आएगी 45। अब बड़ी संख्या पूछी थी इसलिए आपका आंसर जो है वो 45 आंसर। अगर उन्होंने बोला होता छोटी संख्या कौन सी है तो आपका क्या आंसर होता? 35। और इस वक्त डायरेक्ट पूछा है तो 35 इसका सही होगा। ये इसकी डिटेल्स में जो है वो आपको क्वेश्चन समझाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। दो संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, दो संख्याएं हैं। अब संख्याएं हैं मगर उनका संख्याएं दी नहीं है, उनका अनुपात दिया है बच्चों। क्या दिया है? अनुपात दिया है। तो क्या कहा है कि 2x और 3x, पहले तो एक बात ये डट के रखे, 5 घटा दें यानी कि 5 माइनस कर दें तो वो अनुपात कितना बन जाएगा? 3:5 यानी कि 3/5। ठीक है, अब भाई क्या x की वैल्यू निकालनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई आएगा 10x माइनस 25, 9x माइनस 15, 10x माइनस 9x माइनस 15 प्लस 25 कितना आ जाएगा बच्चों? इसका आ जाएगा आपका 10, x की वैल्यू कितनी होगी? 10 होगी। अब आपसे पूछा है छोटी राशि क्या है, छोटा नंबर जो भी बोलो, तो आपको पास तो रेशो है। अब आपको ऐसे पता खुद ही लग रहा है कि छोटी यानी कि 2 की बात हो रही है, 3 तो बड़ा है, मगर आप दोनों को भी निकाल सकते हो। कैसे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक 20 आ गई एक 30। इस वक्त छोटा पूछा था इसलिए हमारा जो आंसर है वो 20 होगा। अगर उन्होंने बड़ा पूछते तो 30 होता, अगर वो बोलते नंबर क्या है तो 20 30 ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ या नेक्स्ट टाइप की तरफ चलता हूँ इस क्वेश्चन के ही। दो संख्याओं में 3:2 का अनुपात है जबकि इनका योग 150 है यानी कि 150 है, कुछ छोटी संख्या क्या? बड़ा ही सिंपल है, दो संख्याएं हैं उनका अनुपात ये है तो टोटल अनुपात 5 हो गया। और इन्होंने पूछा है छोटी संख्या का, इसका छोटी संख्या का, तो छोटी संख्या का अनुपात कितना है? 2, टोटल अनुपात 5। ठीक है जी, टोटल योग 150 है तो इसलिए 150। एग्जाम्पल के लिए आपको इस टाइप का क्वेश्चन बोलूं तो जैसे हम स्कूल के नंबर निकालते हैं ना वैसे ही है, 150 टोटल नंबर थे, अनुपात दिया था तो टोटल अनुपात नीचे आता है और जो हमें फाइंड आउट करना हो वो ऊपर आता है। उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ये देखो 60 ही आ गया। अगर आप पूछा होता बड़ी बड़ी का तो आपने 3/5, 3 क्या मतलब बड़ी वाली का अनुपात, और नीचे 5 क्यों आया? टोटल अनुपात, नीचे क्या लेते हैं हर बार? टोटल अनुपात लेते हैं, टोटल वैल्यू है। ठीक है, और टोटल योग जो होता है वो जैसे इन्होंने 150 दिए तो 150 हमारे स्कूल के नंबर होते हैं जैसे 700, तो वो टोटल अनुपात हुआ इसलिए 700 नंबर वो जो नीचे आते हैं, ये वो नंबर ऊपर आते हैं। अब आप बोलोगे सर उधर तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, 100 इसलिए क्योंकि वो हमारा योग है 100% के साथ, इसलिए परसेंटेज में चला जाएगा।
मगर अभी क्या चल रहा है हमारा 150 की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने नंबरों का योग जो है वो कितना दिया है 150, यानी कि टोटल इतना जी, तो इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं 5 × 15 तो यानी कि 90, ठीक है। और इन दोनों को जोड़िए, इन दोनों को जोड़ेंगे फिर से 150 बन गया। इसका मतलब हम बिल्कुल सही क्वेश्चन कर रहे हैं और छोटी संख्या पूछी थी, इसलिए मेरा ये आंसर 60 जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। ये एक्स्ट्रा बताया बड़ी वाला, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी क्वेश्चन में 3 कक्षाओं में 4, 5, 3 के अनुपात में छात्र, प्रत्येक कक्षा में 15 और छात्र बढ़ गए, छात्र और बढ़ गए, जिससे उसका अनुपात जो है वो 5, 6, 4 हो गया। प्रारंभ में यानी कि स्टार्टिंग में तीसरी क्लास में कितने छात्र, चलो देखते हैं छात्रों को कितने आते हैं। पहले थे आपके 4, 5 और 3, कितने थे जी 4, 5 और 3 थे, ठीक है। ज्यादा टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही सिंपली क्वेश्चन करवाने की मेरी मंशा है, आपको कंफ्यूज करने की नहीं है। अब इन्होंने बोला है कि इनका जो अनुपात है वो बन गया है 5, 6, 4, ये तब बना है जब 15 छात्र और बढ़ गए, यानी कि 15-15 और आ गए प्लस 15। तो मुझे क्या पता अभी इसमें टोटल छात्र कितने हैं, इसमें पहली क्लास में, दूसरी क्लास में, तीसरी क्लास में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें यानी कि संख्याएं निकालनी पड़ेंगी, यानी कि एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर वैल्यू निकालें कैसे, कारण यहाँ पर भी 3 है, वहां पर भी 3 है। आपके पास ऑप्शन दे रहा हूँ, 2 ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन क्या है कि 4x + 15, ये अनुपात ही है सारे 4x + 15 over 5x + 15, ये चीज तो समझ आएगी होगी। 5/6 लिख लो, या ऐसा लिख लो 5x + 15, 3x + 15। तो जो जिसकी वैल्यू है ये याद रखिएगा, ये पहली क्लास, दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, ऐसे ये पहली क्लास, ये दूसरी क्लास, ये तीसरी क्लास, जिसका जो अनुपात है वो उसी के सामने लिखना है, याद रखना। तो अब 5x + 15 कौन सा है, सेकंड का आ गया 6, और दूसरा 3x + 15 कितना है, थर्ड क्लास, इसलिए मैंने लिखा नीचे 4। कन्फ्यूज नहीं, और जो कन्फ्यूज हो गया वो वैसे ही फ्यूज हो गया। 6 से करेंगे 5, 6 × 24 एक्स, और 15 × 6 25 एक्स, 15 × 5 = 75, 90 - 75 वो इसका 25 माइनस, ये मैं डायरेक्ट एक्स ही लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू इसका कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू कितनी आई 15। चलो इससे भी देखते हैं 15 आती नहीं आती है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, 2 × 2 = 4, 2 × 3 = 6, अब और सिंपल हो गया, 5 × 2 = 10 x + 30 = इसे करेंगे 9x + 45, 10x - 9x, और 45 - 30x, देख सकते हैं मैंने दोनों तरीकों से किया। आपको नहीं करना है पेपर में, आपको एक ही करना है, मगर आपको समझाने के लिए मैंने ऐसा किया कि दो दो बार आपके लिए 15-15 वैल्यू निकाली है। अभी आपसे पूछा है कि तीसरी कक्षा में कितने बच्चे थे, तो तीसरी कक्षा का अनुपात क्या था बच्चों, तीसरी कक्षा का अनुपात ये देखिए, ये है वैल्यू दी क्वेश्चन मेन, ये है तो तीसरी ये है जिसका 3 अनुपात है, तो आपने 3 को किससे गुणा कर देना 15 से, तो ये थर्ड क्लास, तो थर्ड क्लास, ठीक है। इसलिए जो है आंसर कितना आ गया 40, तो ये इसका आंसर। अगर आप बोलते हैं सेकंड क्लास के लिए, सेकंड क्लास के लिए,
सेकंड क्लास में पांच है, पांच से आप 15 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे उसमें 75 आ जाए। पर फर्स्ट क्लास की बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट क्लास का अनुपात है 4 × 15 और इसका आ गया 60। आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन है वो तो हमें थर्ड क्लास का पूछा, पर मैं आपको फर्स्ट और सेकंड का भी बता रहा हूं। तो इस प्रकार से हमारा ये सवाल था जो कि कक्षाओं के ऊपर जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आई होप कि आप सबको क्लियर हो रहा होगा अपना अपना क्वेश्चन भी। नेक्स्ट आ जाता है, यदि पी क्यू 2:5 है, क्यू आर 1:3, आर एस 2:3, अब आप बताएं पी एस, आप बताएं पी एस आप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे, दो तरीके बताऊंगा, दोनों उसमें से आप जो अच्छा लगे वो लगाइए, पी क्यू आर एस। सबसे पी की वैल्यू क्या आई आपकी, पहले यहां पे देखना है इसी को, इसको देखिए पी क्यू की वैल्यू क्या है, 2:5। अब देखिए क्यू एस की वैल्यू, क्यू आर की वैल्यू कितनी है, 1:3। आर एस की वैल्यू कितनी है, 2:3। अब आप ये देख रहे होंगे सर ने लाइनें लगाई है ऊपर तो स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये स्पेस खाली है, ये खाली है, ये खाली है, तो इसके नीचे वाला ये भी। तो आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर 5 लिखा है, तो यहाँ पर भी 5 लिख देंगे, यहाँ पर भी 5 लिख देंगे। ऐसे यहाँ पर एक जो है स्टार्टिंग में आपके सेकेंड रो पे 1 लिखा है, यहाँ पर 1 के इस साइड भी हम 1 लिख देते हैं और इस साइड हम 3 लिख देंगे, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, प्रकार से ध्यान रखिएगा। और इनको अब आपस में मल्टीप्लाई करें तो कितना आ गया, 4, 10, 30, 45। और ये सभी किसी भी टेबल से कट रहे हो तो काट देने हैं, और सभी के सभी कट रहे हो तो। और अभी पूछा है पी और एस की वैल्यू सिर्फ क्वेश्चन में, तो पी रेशियो एस वैल्यू आपकी क्या है, तो पी की यानी कि ये आ गई 4 और एस की वैल्यू आ गई 45, तो 4:45, 4:45 जो है वो इसका सही आंसर होगा, 4:45 जो है वो इसका सही आंसर बनेगा। आई होप कि आप सबको जो है मेरी बातें जो है वो अच्छे से जो है वो क्लियर हो रही होंगी। इसी प्रकार से एक और तरीका बताता हूँ आपको इसी क्वेश्चन को करने का, अल्टरनेट पी क्यू 2:5, क्यू आर 1:3, आर एस 2:3 है। अब आपको बोला है पी क्यू आर एस सभी वैल्यू निकालनी है, सभी निकाल सकते हैं, तो उसके लिए पहला स्टेप, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, पहले स्टेट, फिर यू यू और फिर यू 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 और सीधा, ठीक है जी। पहले क्या बोला, पहला स्टेप स्टेट, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, डायरेक्ट आंसर आ गया। फिर यू और यू, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, फिर सीधा फिर टेट है कर लेना, 5 × 3 = 15 और 15 × 2 = 30, उसके बाद स्ट्रेट 5 × 3 = 15 और 15 × 3 = 45। इस प्रकार से भी आप डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। पी और एस की वैल्यू आपने नोट करनी होती है जो पूछी है इस वक्त, पी और एस की वैल्यू होगी 4:45, तो ये भी आपका जो आंसर है वो बन जाएगा। इस ट्रिक का करने का फायदा क्या है कि एक ही बारी में डायरेक्ट आपको जिसकी वैल्यू चाहिए वो डायरेक्ट भी निकल जाए। तो आई होप कि आपको ये दोनों मेथड जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये नहीं हुए हैं तो एक बार हम फिर से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, क्या दिया है आपके पास,
1:4 ई सी दिया है आपके पास, 2:1 सी डी दिया है 1:2, और मैं डायरेक्ट ए बी सी और डी की वैल्यू निकालना चाहूं, जैसे मैंने आपको ट्रिक दी, पहले डायरेक्ट 2 आ जाएगा, फिर यूं और यूं, फिर 4 2 8 और 8 1 8, फिर तीसरी बार ये 4 1 4 4 1 4, उसके बाद डायरेक्ट 4 1 4 4 2 8, ये सभी 2 से कट रहे हैं, 1 4 2 4 आ गया है, और सही आंसर ए बी सी डी ही निकल चुका है। ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू, ये सी की वैल्यू, ये डी की प्यारे बच्चों वैल्यू रहेगी, तो ये इसका सही आंसर रहे। आई होप कि आपको ये टाइप भी क्लियर हो गया होगा, क्योंकि हमारे टाइप वाइज टाइप क्वेश्चन जो हैं वो आपके चल रहे हैं। नेक्स्ट टाइप के ऊपर चलते हैं आज, और आज का ये अंतिम टाइप रहेगा, ज्यादा मैं तंग नहीं करूंगा, आराम आराम से क्वेश्चंस को परफेक्ट करिएगा। कोई धनराशि है पी क्यू आर, ये पी की है, ये क्यू की है, ये आर की है, उसका अनुपात में बांटी गई है। यदि क्यू का भाग 150 रुपए है और पी और आर के भागों का अंतर ज्ञात करना है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे करेंगे? देखिए ध्यान से, पी क्यू आर में जो है आपका 3, 5 और 7 के अनुपात हैं, और इन्होंने बोला है कि जो क्यू है वो 150 के बराबर है, और पी और आर का अंतर, पी और आर का अंतर कितने का आया? 4 का, ठीक है, और क्यू का भाग 150 है, क्यू का भाग 150 है, यानी कि 4/5 × 150, 5 कहां से आया है प्यारे बच्चों, तो 5 क्यू का भाग है और 4 जो है वो उसका अंतर है, बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो कैलकुलेट कर लीजिए, वही भाग जो है, अंतर जो है वो क्यू का 1500 रहेगा और पी और आर का जो अंतर है वो 1200 रहेगा, कितने का रहेगा? 1200 का अंतर रहेगा। ये था सवाल धनराशि से जुड़ा हुआ। अगला सवाल है हमारा, जो कि है राम श्याम और मोहन के बीच 1228 रुपए बांटे गए, उनके भागों में से क्रमशः 4, 8 और 12 रुपए का घाटा देने पर 1, 2, 3 का अनुपात हो जाता है, तो मोहन को कितने पैसे मिले? किसके पूछे हैं? मोहन के। आप तीनों के भी निकाल सकते हो, मना नहीं किया है, तीनों के मत निकालो, तीनों के भी निकाल सकते हैं। अब घाटा हुआ है तो घाटे को भरना पड़ेगा भाई, याद रखियो, घाटे को क्या करना पड़ेगा? भरना पड़ेगा। उनका अनुपात कितना दिया है? 1, 2, 3 नहीं दिए हैं पैसे, इसलिए एक्स एक्स लगा दिया। भरना पड़ेगा मैंने बोला है, तो +4, एक का हुआ था +8, दूसरे के +16, याद रखिएगा इस तरीके को। और टोटल सम जो है वो कितना दिया है, योग कितना दिया है, तो टोटल बांटे गए हैं पैसे वो है 1228, 1200, तो इसको पूरे को सम कर लीजिएगा, 1x+4+2x+8+3x+16 इक्वेशन बना देता हूं, जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, 3, 2, 5, 1, 6 और 16, 4, 28, 1228 माइनस ही 28 हो जाएगा, ये हो गया आपका 1200, 6 × 12 यानी कि 200 रुपये आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 200 आ गई है। अब आपसे पूछे किसके भाग है, मोहन को कितने रुपए मिले, तो मोहन का यानी कि ये आया तीन नंबर, ये है 3x+16, 3x की जगह आ गया 200 जमा 16, जो पूछा होगा उसी में पुट करना प्यारे बच्चों,
तीन दुनी 600 जमा 16 यानी कि 600। मोहन जुग को जो है भाग कितना मिला, 616 भाग मिला। अगर आप ये बोलते कि सर राम को कितना मिला, तो राम का तो शुरू में ही आ गया मेरे भाई, तो 1x प्लस 4 यानी कि x की वैल्यू आपकी 200 जमा 4 यानी कि 204। ये राम का भाग है। इसी प्रकार से आप हर किसी का भाग जो है वो निकाल सकते हैं। जो क्वेश्चन में पूछा था वो मोहन का पूछा था, कि हमारा आंसर जो है वो इस वक्त प्रेजेंटली मोहन वाला ही उठेगा। तो ये हमें एग्जाम से ही सीखने को मिलता है कि कौन सा सही रहेगा कौन सा गलत रहेगी, वो ऑप्शन और प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए, तो उस प्रैक्टिस से ही हम परफेक्ट होंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास, बने रहिएगा विजयपथ एजुकेशन पालमपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।